सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी अभी मैंने अमेजोन प्राइम पर एक न्यू वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है गिल्टी माइंड्स करके। हालांकि मैंने इसके अभी पूरे एपिसोड नहीं देखे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ये वेब सीरीज है। कुल 10 एपिसोड है इसमें जो कि लगभग 50 से 55 मिनट का हर एक एपिसोड है। अभी मैंने अभी तक मैंने इसके सिर्फ 4 एपिसोड देखे हैं। काफ़ी लंबे लंबे एपिसोड हैं तो जैसे जैसे देखता जाऊँगा आपके सामने रिव्यू देता जाऊँगा। ये बेसिकली एक कोर्ट रूम ड्रामा वाली वेब सीरीज है जिसमें आपको कोर्ट केसेस देखने को मिलेंगे। हालांकि इस वेब सीरीज की एक खास बात यह है कि हर एपिसोड में आपको अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी एक ही कहानी को लंबा बिल्कुल खींचा जा रहा है तो उसको देख के आप बोर हो रहे हो। हर एपिसोड में आपके पास एक नई कहानी रहेगी। हालांकि लड़ने वाले केस किरदार सेम ही रहेंगे लेकिन आप कहानी अलग अलग मिलेगी, उसमें अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली हुई है। 7.4 की IMDb रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। IMDb रेटिंग इतनी सारी मिली हुई है तो खैर कहानी की बात कर लेते हैं। तो उसके पहले एपिसोड में एक कहानी एक डायरेक्टर की और उसके कोच को एक्ट्रेस की है। दोनों के बीच में कुछ इशू हो जाता है जिसकी वजह से फिर हीरोइन डायरेक्टर पर कुछ रेप चार्ज वगैरह लगाती है। उसके बाद कोर्ट रूम में उसको कैसे साबित करना होता है, कैसे साबित कर दिया जाता है दोनों पर वकीलों द्वारा, यही सब कहानी है। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी आपको बांध के रखती है। इसमें दो लॉ फर्म अलग अलग दिखाए गए। दोनों लॉ फर्म की तरफ से लड़ने वाली जो है वो फीमेल कैरेक्टर हैं श्रिया पिलगांवकर, और जो दूसरी लॉ फर्म दिखाई गई है खन्ना एंड खन्ना करके है, उसमें जो काम करने वाले वकील हैं उसका नाम है वरुण मित्रा। अधिकतर केसेस में आपको ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही केस लड़ते रहते हैं जो कि एक अलग बॉन्डिंग दिखती है। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में दोनों को लड़ते हुए। हालांकि असल लाइफ में दोनों फ्रेंड रहते हैं, बस कोर्ट रूम में दोनों के केसेज आमने सामने पड़ते रहते हैं तो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो ओवरऑल एपिसोड 1 की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेज करके भी रखती है। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड नंबर 2 कुछ उतना खास नहीं था, कुछ अलग उसका कॉन्सेप्ट दिखाया कि कुछ गेम वेम को लेके कुछ बच्चों के ऊपर माइंड पे कुछ अलग सा मतलब हावी हो जाता है सिर्फ गेम का प्रेशर, जिसकी वजह से वो अलग अलग टास्क लेता है जिसमें असल ज़िंदगी में टास्क ले लेता है कि उसको किसी को मारना है, जिसके चक्कर में वो गेम के गॉगल वगैरह लगा के उसको रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में फ़र्क समझ में नहीं आता है और वो एक कैब ड्राइवर का खून कर देता है। तब तो उसको जस्टिफाई करने के लिए केस चलता है कि बच्चा मासूम था, तो उस केस को लेके बनता है। लेकिन वो उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, इंगेजिंग नहीं रहा, थोड़ा खींचा खींचा सा लग रहा था। तो ओवरऑल आप एपिसोड 2 को अगर स्किप भी कर देते हैं तो भी स्टोरी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 3 की। एपिसोड 3 में दिखाया गया है एक कोई महाराष्ट्र का एक गाँव है जहाँ पे काफ़ी सूखाग्रस्त इलाका है। तो वहाँ पे कोई एक कोला टेस्टी कोला करके कोई कंपनी रहती है जो वहाँ पे फैक्ट्री लगी रहती है। तो गांव में सूखा पड़ा रहता है तो गांव वालों का ये आरोप रहता है कि ये टेस्टी कोला वाले जो कंपनी है ये सारा पानी हमारा गांव से खींच ले रही है जिसकी वजह से हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है। तो ऐसा ही कुछ केस चलता है। तो ये स्टोरी थोड़ी इंगेजिंग थी जिसको देख के आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। कुल मिला जुला के वो केस गांव वालों के पक्ष में आता है कि कंपनी के पक्ष में आता है, क्योंकि गांव वालों का आरोप रहता है कि उनकी इस कंपनी की वजह से हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है। हालांकि जो वकील कंपनी के पक्ष के रहते हैं वो कहते हैं कि इनकी हमारे वजह से गांव में डेवलपमेंट है, हमने हॉस्पिटल दिया है, हमने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया। तो दोनों के पक्ष विपक्ष की बातें सुनकर अब जज क्या फैसला देता है ये तो आपको देख के ही पता चलेगा। ओवरऑल ये एपिसोड तीसरा एपिसोड काफ़ी अच्छा था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं चौथे एपिसोड की। चौथा एपिसोड बॉलीवुड से रिलेटेड ही है कि कैसे मतलब एक किसी और का सॉन्ग चोरी करके कोई और डायरेक्टर कैसे गाने बना लेता है, उसके लिए कॉपीराइट का कुछ केस वगैरह लगता है। तो इसमें बेसिकली ये रहता है कि एक डायरेक्टर फिल्म का डायरेक्टर एक किसी कंपोजिसर से मिलता है जिसमें वो कंपोजिसर एक ऐप ऐसा डेवलप किया रहता है जिसमें वो ऑटोमेटिक मूड के हिसाब से आपको गाना जनरेट करके ऑटोमेटिक दे देता है बिना किसी सिंगर के या कंपोजर के। तो वैसे ही कुछ पुराने पुराने अलग अलग गानों के थीम को बटोर कर एक
ऐप के जरिए एक सॉन्ग बनाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाता है, सुपर हिट भी हो जाता है, जिसके बाद जो अदर क्रिएटर्स रहते हैं वो इस डायरेक्टर के ऊपर केस करते हैं। तो ये कुछ इस चौथे एपिसोड की स्टोरी बनती है। हालांकि इस एपिसोड में आपको कुछ सरप्राइज भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस चौथे एपिसोड में आपको क्योंकि इस चौथे एपिसोड में आपको शक्ति कपूर भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक कंपोजिशन के रोल में है, जिस म्यूजिक कंपोज कराते हैं। तो ये एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको ज़्यादा लग सकता है बाकी अदर तीनों एपिसोड से, क्योंकि तो इसमें आपको शक्ति कपूर देखने को मिलेंगे। एक्टिंग भी इनकी काफ़ी शानदार लग रही है। बाकी अभी तक मैंने ये चार एपिसोड ही देखे हैं, तो ओवरऑल अभी तक अगर मैं कुछ कहूँ तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये अभी गिल्टी माइंड्स के अगर एपिसोड 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों एपिसोड काफ़ी अच्छे थे, आपको एंगेज भी करेंगे। और अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह पे कुछ एडल्ट सीन भी हैं, कुछ गालियाँ भी हैं, तो आप इसको अकेले में ही देखें। अगर बाकी अगर फ्रैंक माइंड है तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो ना ही देखें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अकेले ही देखें, अकेले इंटरेस्ट लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बाकी जैसे जैसे मैं और इसके एपिसोड देखते जाऊँगा, आपको इसके रिव्यू और देता जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।